Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Chavasthi, and guys, today here in this video we will be covering part B of the chapter Thinkers Believe and Building. So आज के वीडियो में हम ये चार टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हमारे वीडियो का पार्ट बी होगा. सो हमारा पहला टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. मतलब अभी हमने जैसा कि पार्ट ए के लास्ट टॉपिक में देखा था कि बुद्धा का क्या लाइफ थी, वो कैसे प्रिंस थे, बट उन्होंने वर्ल्डली लाइफ को त्याग दिया था और उन्होंने एनलाइटमेंट को गेन कर लिया था. मतलब उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया था. कैसे? वो एक जगह मेडिटेशन करने के लिए बैठे थे, बोधि ट्री में. सो चलिए, उसके बाद जब उन्होंने एनलाइटमेंट कर लिया था, जब उनको ज्ञान मिल गया था, तो उन्होंने उसको प्रीच किया था थ्रू धम्मा. तो उन्होंने उसमें काफी सारे वेज बताए थे कि हमें किस तरह की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए. तो ये टॉपिक में हम वही जानते हैं. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. पहला है, बुद्धास टीचिंग हैव गिवन रिस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज ऑफ सुत्ता पिटक्का रिकंस्ट्रक्टेड. सो बुद्धा की स्टोरी हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किससे? सुत्ता पिटक्का से. ये जो भी बुद्धा ने हमको टीचिंग्स दी थी कि हाउ टू लीड अ लाइफ, तो कैसे जीवन जीना है और हमें क्या क्या नहीं करना है, ये सब जो टीचिंग दी थी, ये सब किसमें हमें मिली थी? सुत्ता पिटक्का में. इनकी जितने भी इन्होंने प्रवचन दिए थे वो सब कंपाइल कर दिया गया. जो भी इनकी टीचिंग्स थी वो कंपाइल कर दी गई है सुत्ता पिटक्का में. इसके बाद, दिस टीचिंग्स कुड बी स्टडीड एज फॉलोज. मतलब उनकी स्टडीज क्या क्या थी उसके बारे में जानते हैं. वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. द वर्ल्ड ट्रांजिएंट है, ज्यादा समय नहीं चलेगा और ये परमानेंट चेंज होता रहेगा. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज चेंज. सो वर्ल्ड इज सोललेस अनत्ता. मतलब इसमें सोल नहीं है इस वर्ल्ड में. एंड नथिंग इज परमानेंट और एटर्नल. एटर्नल मतलब जिसकी कहीं पे ना स्टार्टिंग हुई हो ना कहीं पे एंड हुआ हो. जो परमात्मा हम लोग बोलते हैं वो सिर्फ एटर्नल है, बाकी कुछ भी एटर्नल नहीं है इस वर्ल्ड में. इसके बाद, ट्रांजिएंट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड पीपल डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर. मतलब जो ट्रांजिएंट वर्ल्ड है जो कि लॉन्ग स्पैन के लिए नहीं है, उसमें क्या है, फुल ऑफ सोरो है, तकलीफों से भरा हुआ है. और तकलीफ हम ही इंसानों ने पैदा की है. कैसे? हमारे इतने ज्यादा डिजायर्स होते हैं कि उनको पूरा करने के चक्कर में हम उसी में अपना पूरा माइंड लगा देते हैं, और जब वो पूरा नहीं होता है तो हम सोरो घेर लेता है हमको, हम बहुत दुखी हो जाते हैं. तो ये इन्होंने बताया. इसके बाद, ह्यूमन कैन राइज अबव द वर्ल्डली ट्रबल्स थ्रू पेनेंस. पेनेंस मतलब, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको लास्ट वीडियो के बताया था, पेनेंस मतलब होता है कि हमें अगर आत्मग्लानी हो जाए, अगर हमें खुद से रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी नेसेसिटी है, हम क्यों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं, तो ही हम वर्ल्डली जो प्लेजर्स हैं उससे ऊपर उठ सकते हैं. और उससे ऊपर उठना जरूरी है फॉर हैप्पीनेस. अगर हमको खुश होना है तो हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उठना पड़ेगा. इसके बाद, अकॉर्डिंग टू बुद्धा सोशल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रादर देन द डिवाइन ओरिजिन. अब जैसा कि हम सब बोलते हैं कि डिवाइन ओरिजिन है, मतलब भगवान ने इस वर्ल्ड को बनाया है और हम सब जो बात कर पा रहे हैं, जो सांस ले पा रहे हैं, सब भगवान की ही देन है. बट बुद्धा का भगवान के लिए को लेकर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ये ना इधर पैसिव थे और ना ही नेगेटिव थे. मतलब इनका ये, इन्होंने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया था कि भगवान की प्रेजेंस है या नहीं है. बट इनका ऐसा मानना था दैट सोशल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन. मतलब जो सोशली हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं या एक दूसरे से बात करते हैं वो हमारी देन है, ना कि डिवाइन ओरिजिन की. डिवाइन मतलब भगवान की. इसके बाद, बुद्धा लेड एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एजेंसीज एंड राइटियस एक्शन. बुद्धा ने कहा हम सबको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, राइट एक्शन करना चाहिए, जिससे किसी को हमें देखना चाहिए हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं. इसके बाद, एंड प्रीच्ड राइट डीड्स. सही कर्म क्या है उसके बारे में बताया और हम कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं, हम सही कर्म कर सकते हैं. सेल्फ रियलाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ ईगो टू गेट रिड ऑफ रीबर्थ कॉन्सेप्ट. सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्म, हमें अपने बारे में कैसे पता चलेगा कि हम क्या हैं. हम जैसे कि आत्मा हैं, हम सब लोग आत्मा हैं, तो हम लोग एटर्नल हैं. हम लोग ना कभी हमारी बर्थ हुई थी ना कभी हम खत्म होंगे. ये सब जो हमारा जो शरीर है ये हमें बस एज अ ट्रांसपोर्ट मिला हुआ है, ताकि हम जो डीड्स है, हम इस जो मेन पर्पस है लाइफ का उसको फुलफिल कर पाए, इसलिए हमको ये बॉडी मिली हुई है.
तो वही इन्होंने बताया कि हम इससे ऊपर उठना चाहिए वर्ल्डली प्लेजर्स से। इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ईगो, हमें अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए, अपने ईगो को साइड में रखेंगे तब जाकर हम जब अच्छी एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएंगे, जो इन्होंने राइटेस्ट पाथ बताए हैं, जो एट फोल्ड पाथ है बुद्धा के, उसको फॉलो कर पाएंगे, तभी हम बर्थ और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ के हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। सो ये था बुद्धा की टीचिंग। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा में हम देखते हैं कि आज भी बुद्धिज्म के कितने सारे फॉलोवर हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इतने सारे फॉलोवर्स ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ एक लीडर हो और उसके इतने सारे डिसाइपल्स हों? ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि बुद्धा ने अपॉइंट कर दिए थे काफी सारे धम्मा महामात्य और भिक्कूस, जो कि धम्मा को स्प्रेड करने में बुद्धा की हेल्प करते थे। जैसे कि बुद्धा हर जगह प्रेजेंट होकर नहीं सबको ज्ञान दे सकते ना, ही कैन नॉट एनलाइटेड एवरी वन अराउंड द वर्ल्ड, सो ही अपॉइंटेड धम्मा महामात्य। चलिए उसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसकी ग्रोथ हुई बुद्धिज्म की और एंड हु वर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा हैज नंबर ऑफ डिसाइपल्स एंड ही फाउंडेड संगा, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु ऑल्सो बिकम्स टीचर ऑफ धम्मा। इन्होंने संगा की फाइंड करी थी, बुद्धा संगा जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या था कि इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वेयर मॉन्क्स बिकम द टीचर ऑफ धम्मा, जिसमें इन्होंने मॉन्क्स अपॉइंट करे थे जो कि धम्मा को स्प्रेड करने में बुद्धा की हेल्प करते थे। इसके बाद दीज मॉन्क्स लिव सिंपली एंड पजेस एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल। मतलब ये बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते थे, जैसा कि इनका मानना था कि वर्ल्डली प्लेजर को त्याग कर ही हम एनलाइटमेंट को गेन कर सकते हैं। तो इनके मॉन्क्स भी क्या करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, मटेरियलिस्टिक से बहुत दूर रहते थे। सो और सिर्फ क्या क्या अपने साथ रखते थे, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि तन पे कपड़ा हो गया और खाने के लिए हो गया, बस मैक्सिमम इतना ही। इसके बाद दे वर नोन एज भिक्कू एंड वुमेन्स एज भिक्कुनीस। जो ये ऐसे लोग होते थे जो कि सिंपल लाइफ सेलिबेसी को अडॉप्ट करते थे, उनको भिक्कूस कहा जाता था ड्यू टू देयर आउटलुक। अब जो वुमेन्स थे उनको पहले तो अलाउड नहीं था इसमें पार्ट लेना, बट आफ्टरवर्ड्स वुमेन वर ऑल्सो अलाउड एंड वर नोन एज भिक्कुनीस। उसके बाद बुद्धिज्म प्रोवाइड इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। बुद्धिज्म ने सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया, चाहे वो आर्टिसन हो, चाहे वो चैरियट बार्ड हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा बुद्धिज्म का मानना था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से जो लोग अपने रिलीजन से तंग आ चुके थे, जैसे कि जो हिंदुज्म में जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता था, तो वो लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने लगे। सो ऐसे ही बुद्धिज्म की ग्रोथ बहुत रैपिडली होने लगी और इन्होंने अपॉइंट करे थे जितने भी अपने भिक्कूस, ये लोग जगह जगह जाकर स्प्रेड करते थे धम्मा को, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए बुद्धिज्म को लेकर। इसके बाद बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। पीपल डिससेटिस्फाइड विद देयर रिलीजन जॉइन बुद्धिज्म। अब बुद्धा के लाइफ टाइम पर तो उसके फॉलोअर्स बढ़ते ही रहे, बट आफ्टर हिज लाइफ ऑल्सो उनकी टीचिंग्स इतनी अट्रैक्टिव थी कि लोग उनसे अट्रैक्ट होते गए और उनके फॉलोअर बनते गए इवन आफ्टर हिज डेथ। तो ये था हमारा टॉपिक फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा का। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है स्तूपास। अब स्तूपास में हम देखते हैं कि स्तूपास बेसिकली पहले से भी थे, बुद्धिज्म के स्प्रेड से पहले भी स्तूपास रहे होंगे, बट इनको एसोसिएट किया जाता है बुद्धिज्म से, क्योंकि मेन जो स्तूपास बने थे वो अशोकन पीरियड में बने थे और अशोका किसको प्रमोट करता था, बुद्धिज्म को, जिसकी वजह से इसको एसोसिएट किया जाता है बुद्धिज्म से स्तूपास को। तो चलिए जानते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास। अब ये चैत्यास क्या है, ये प्लेसेस है जो बुद्धा से एसोसिएट थी, मतलब जहां जहां बुद्धा गए थे और जो इनकी लाइफ में मेजर हैपनिंग्स हुई थी, मेजर इवेंट्स थे इनकी लाइफ के, उनको कवर किया था, तो वो चैत्यास बोला जाता है उनको। फोर इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो चैत्यास थे, फोर इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से थे, लुम्बिनी जहां इन्होंने ये बॉर्न किए थे, बोध गया वेयर ही हैव अटेंड एनलाइटमेंट, जहां उनको ज्ञान मिला था। इसके बाद सारनाथ, इन्होंने वहां अपना पहला सरमन दिया था, मतलब पहला उपदेश दिया था या पहला अपना
ज्ञान बांटा था लोगों में। उसके बाद खुशी नगर अटेन निर्वाणा, यहाँ पे इन्होंने निर्वाणा अडॉप्ट कर दिया था अपने निश्वर शरीर को त्याग कर। तो ये जो चार जगह है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपके लोकेट करने को भी आती है मैप्स में ये जगह, तो मैं आपको मैप में लोकेट करना बताऊंगा फर्दर आगे के वीडियोस में। सो अभी देखते हैं व्हाई वर स्तूपास बिल्ड, मतलब ये क्यों बनाए जाते थे। तो ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट बट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, ये बुद्धा के टाइम से पहले भी स्तूपास बने होंगे बट इसको एसोसिएट बुद्धा से ही किया जाता है, क्योंकि जो फेमस स्तूपास है जस्ट लाइक सांची का स्तूपा, ये सब किसने फेमस किया है, ये बुद्धा के टाइम पे फेमस हुआ है ड्यू टू बुद्ध। दे कंटेन रिलिक्स रिगार्डिंग एज सीक्रेट एंटायर स्तूपा केम टू बी नोन एज एम्बलेम ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म। अब बुद्धा वॉज अ रिलीजियस प्रीचर, वो ज्ञान देते थे रिलीजियस का, तो वो उनको ऐसी जगह मिलनी चाहिए ना जहाँ लोग रिलीजियस बातें कर सके, या रिलीजियस सेक्रेट जगह होनी चाहिए, सेक्रेट मीन्स रिलीजियस, जहाँ पर रिलीजन धर्म कर्म की बातें हों और लोग उनको याद कर सके, तो उनकी याद में ही ये स्तूपास बनाए गए थे, इसलिए ये स्तूपास बने थे। अब स्तूपास जिनको बुद्धिस्ट से एसोसिएट किया जाता था बुद्धिज्म से, सो उनका शेप क्या होता था, उनका सेमी सर्कुलर शेप होता था, जैसे हमारी अर्थ होती है अगर अर्थ को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें वैसा ही कुछ शेप होता था उनका, ऊपर पे उस शेप की जो उसका टॉप होता था वो होता था, और उसको क्या बोलते थे, अंडा बोलते थे। चलिए देखते हैं, सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड अंडा। इसके बाद अबव अंडा वॉज द हार्मिका अ बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड द अबोड्स ऑफ गॉड, मतलब गॉड की रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हर्मिका बनाया जाता था, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, मेरी ड्राइंग बहुत खास नहीं है सो बस आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया। तो ये हर्मिका होता था और इसके ये जो टॉप होता था ये इसको अंडा बोला जाता था। तो ये इस शेप के हमें स्तूपास फाइंड करने को मिलते हैं, आज भी अगर आप चले जाएंगे सांची का स्तूपा तो वो इसी फॉर्मेट में बना हुआ है भोपाल में। इसके बाद स्ट्रक्चर कुड बी ट्रेस एट अमरावती एंड पेशावर, आप अमरावती में भी ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे, और पेशावर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो वहां पे भी मिल जाएंगे। सो ये था गाइस स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज डिस्कवरिंग स्तूपा फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। अब हम मेन कौन कौन से स्तूपास के बारे में बात करेंगे, एक जो वो अमरावती में था और दूसरा जो सांची का स्तूपा जिसके बारे में हमने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर पार्ट वन में बात करी थी। सो देखते हैं, इन 1854 वॉल्टर एलियट कमिश्नर ऑफ गंतर आंध्र प्रदेश विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्क्रिप्चर पैनल एंड टुक देम टू मद्रास। अब क्या हुआ, एक कमिश्नर था, क्योंकि हमको पता है कि ड्यूरिंग 1800 के टाइम पे हम पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, सो जो कमिश्नर्स होते थे या जो अपॉइंट किए जाते थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे मेजरली, वही रूल करते थे हम पे। सो उन्होंने क्या किया, अपने मन मुताबिक जो जो कलेक्ट करना था इन्होंने वो अमरावती से कलेक्ट कर लिया, अमरावती वाले स्तूपा से, और कहां ले गए उसको, मद्रास ले गए। इसके बाद ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट रिमेन ऑफ द वेस्टर्न गेटवे एंड केम टू कंक्लूजन दैट स्ट्रक्चर ऑफ अमरावती वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपा एवर। सो उन्होंने देखा कि जो वेस्टर्न गेटवे था उसको भी निकाला, और ये इतना मैग्निफिशेंट था, इतना बड़ा स्तूपा था अमरावती का, इवन सांची के स्तूपा से भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट था और मैग्निफिशेंट था। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लंदन ले जाने की सोची, और ये इन्होंने कहा कि हम अपना लंदन में ले जाके इसको म्यूजियम में रखेंगे, जैसा कि हमने सांची के स्तूपे वाले केस में देखा था, उसका जो ईस्टर्न गेटवे था वो फ्रेंच ले गए थे, पर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी और ये इन्होंने अपने मर्जी से भिजवा दिए थे क्योंकि इनके पास अथॉरिटी थी। बट क्या हुआ कि ये सर्वाइव नहीं कर पाया अमरावती वाला, बट सांची का स्तूपा इसने सर्वाइव क्यों कर लिया, क्योंकि उस वहां की जो क्वीन थी उन्होंने परसुएड किया था ब्रिटिशर्स को दैट आप हमसे टैक्स ले लीजिए बट इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहने दीजिए। सो ये केस था हमारा फेट ऑफ अमरावती एंड सांची का, जिसमें कि हमने देखा कि अमरावती का किस तरह से स्तूपा मिला था, किसको मिला था, वॉल्टर एलियट को, और इन्होंने किस तरह से लंदन में भिजवा दिया था इसको म्यूजियम में रखवाने के लिए। सो गाइज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, एक बार
जान लेते हैं। हमने बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़ा जिसमें उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया था और एट फोल्ड पाथ्स दिए थे फॉर अ ह्यूमन लाइफ, तो टू अटेन सेलिबेसी एंड टू अटेन एनलाइटमेंट। इसके बाद फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा के बारे में देखा कि हर कोई बुद्धा के फॉलोवर्स थे, बुद्धा सांगा के बारे में जाना हमने, इसके अलावा हमने भिक्कू एंड भिक्कुनीस के बारे में जाना और हमने देखा किस तरह से बुद्धिज्म वाइड स्प्रेड हो रहा था बिकॉज इसकी आइडियोलॉजी थी कि ये सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करता था, किसी एक तबके को ऊपर और दूसरे तबके को नीचे नहीं रखता था, सब बराबरी में विश्वास रखता था। उसके बाद हमने अंडा के बारे में और स्तूपा के बारे में जाना, जो उसका सेमी सर्कुलर जो एरिया होता है स्तूपा का, और एट लास्ट हमने डिस्कवरिंग स्तूपास के बारे में जाना कि किसने डिस्कवर किए थे, ये वॉल्टर एलियॉट ने, और ये किस तरह से स्तूपास भिजवा दिए गए थे और किस तरह से ये अभी सांची का स्तूपा हमें अभी भी फाइंड करने को मिलता है क्योंकि उनको बचा लिया था शाहजहां बेगम ने, बट इसको नहीं बचा पाए थे, इसका वेस्टर्न गेटवे टूटा पड़ा था और बाकी सारे गेटवे भी उतने अच्छे से आप मेंटेन नहीं कर पाए जिस तरह से सांची के स्तूपे को किया गया था। सो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।